हत्या आरोपी के दो और अन्य मामलों के एक आरोपी को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है नवविवाहिता के हत्या के आरोपी उनके पति पवन पंडित वहीं बेंगाबाद के बहादुरपुर में हुए घटना को लेकर के हेसूर परवीन सिंह को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है विगत तीन दिन पूर्व बेंगाबाद के दसमरिया गांव में आरती कुमारी नामक नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी। उनके माता पिता ने बेंगाबाद थाने में दहेज हत्या का आरोप लगाया था। इधर बेंगाबाद पुलिस गंभीर होते हुए पवन पंडित को बहादुरपुर गांव निवासी परवीन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बेंगाबाद पुलिस ने अवैध डीजल पेट्रोल के कारोबारी गुड्डू शेख को भी गिरफ्तार कर लिया है। इधर बेंगाबाद पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों की जांच पड़ताल और पूछताछ में जुट गई है। आवश्यक कार्रवाई में जुट करके अगर तब कार्रवाई में लग गई। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। थैंक यू। अवैध डीजल पेट्रोल के कारोबारी समेत दहेज हत्या कांड मामले में लेकर के कुल 5 लोगों को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है पहली गिरफ्तारी 236/2020 बेंगाबाद थाना में के कांड संख्या के आरोपी धर्मेंद्र कुमार सिंह जिनको बिहार से गिरफ्तार किया गया है। वहीं कांड संख्या 138/21 के आरोपी परवीन कुमार सिंह जो बहादुरपुर से गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है दहेज हत्या के आरोपी हैं। इधर बेंगाबाद थाना कांड संख्या 140/21 के आरोपी पवन पंडित जो दहेज की हत्या के आरोपी हैं वहीं एक अन्य मामले को लेकर के बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है अवैध डीजल कारोबार के खिलाफ में फरार चल रहे आरोपी गुड्डू शेख को भी बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर उनकी गिरफ्तारी से जहां अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है वहीं क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। बताया जाता है बेंगाबाद पुलिस के द्वारा लगातार छापामारी कर गिरफ्तार करना बेंगाबाद पुलिस का दिनचर्या बन गया है, जिससे अवैध कारोबार करने वाले व अपराधियों में हड़कंप सा मचा हुआ है। इधर थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने कहा कि जितने भी फरार चल रहे आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार करेंगे और उन्हें जेल भेजेंगे। साथ ही साथ कहा कि जो फरार चल रहे हैं वो खुद सरेंडर कर दे। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूले। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।